डिफरेंस है। किसी को पता है सीक्वेंस एंड सीरीज के दोनों में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस जो होता है वो एक पैटर्न में चलता रहता है, लेटेस्ट टाइप वन टू फाइव टेन सेवेंटीन, दिस इज योर सीक्वेंस। ये कुछ एक पैटर्न फॉलो करता रहता है। ये क्या पैटर्न फॉलो किया? कौन सा पैटर्न फॉलो किया जी? ऑड नंबर को ऐड करके टाइटल, ऑड नंबर को ऐड करके इंक्रीजिंग, मतलब पहले वन फिर थ्री फिर फाइव। बट अच्छा, मतलब इनका डिफरेंस ये बोल रहे हो? हाँ सर, इनका डिफरेंस एपी में गया, और यू कैन कॉल ऐसे भी कर सकते हो। दिस वन यू कैन राइट जीरो स्क्वायर प्लस वन, टू यू कैन राइट वन स्क्वायर प्लस वन, फाइव यू कैन राइट टू स्क्वायर प्लस वन, थ्री स्क्वायर प्लस वन, फोर स्क्वायर प्लस वन। तो एक पैटर्न को एक फॉलो किया, सो दिस इज द सीक्वेंस। एंड सीरीज क्या होता है? मैं इसको कोई सिंबलिकली मतलब आइदर प्लस और माइनस यूज कर दूंगा, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। देन इट इज कॉल्ड सीरीज। ये आपका सीक्वेंस, ठीक है? ओके, इन दिस चैप्टर हम कुछ लर्न करेंगे, दैट इज एपी, सर, जीपी, सर, यस, कुछ बोलना चाहते हो? सर सेकेंड लेक्चर है ये सब, आपने पहले लेक्चर में करवा दिया था। अच्छा, कंबाइंड का ये सेकेंड लेक्चर है क्या? यस सर, आई थॉट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ था लास्ट टाइम? एपी के कुछ सॉन्ग्स करवाए थे, तो होमवर्क दिया था मतलब बुकलेट से। हाँ सर, यस, एनी डाउट? यस सर। ओके बताओ। मुझे लगा ये फास्ट फास्ट, ठीक है सर। सेवेंथ वन सर, क्वेश्चन वन का आंसर नहीं मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नहीं मिल रहा है। ओके, एक्स प्लस वन, थ्री एक्स, फोर एक्स प्लस टू, और फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ वन एपी, देन फिफ्थ टर्म, क्यों आंसर क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं सर, आंसर आया लेकिन ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। अच्छा, ठीक है।
एक्स प्लस वन डी एक्स फोर एक्स प्लस टू आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर पे एपी, तो ये दोनों का सम इसका डबल होगा, ये दोनों का सम कितना आ रहा है 5x plus 3 equal to 6x, that implies आपका x हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4, 9, ये कितना 12, 14, तो AP तो आ रहा है, तो आपका 4th term, 5th term चाहिए, ये तो आप ऐसे ही देख सकते हो, 19, 24, option is there. क्या दिक्कत हुआ इसमें? ओह सॉरी सर, थैंक यू सर। सर एट क्वेश्चन, एट सर सेवेंथ में डाउट है। बी प्लस सी माइनस ए upon A, then which of the following are AP? 1 by A, 1 by B, 1 by C हो जाएगा। तो these are in AP, then which of the following are AP? मैंने प्रॉपर्टीज में दिया था इन एन एपी, आप कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करोगे तो क्या होगा? एपी होगा, कुछ फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे एपी, वो भी एपी होगा। सो आई एम फॉलोइंग दैट थिंग, मैं इसमें टू ऐड कर रहा हूँ, एपी होगा ईच एंड एवरी टर्म में टू ऐड कर रहा हूं, तो अब आपको क्या मिल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बाय ए, ये माइनस से ये प्लस टू ए हो जाएगा, तो आपको मिलेगा बी प्लस सी प्लस ए अपॉन ए लाइक दैट, ये मिलेगा आपको सी प्लस ए प्लस बी अपॉन B, ये प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अब ए प्लस बी प्लस सी को मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी, आर इन समझा कि नहीं? ये केस में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दो सब में, ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर दो। ओके सर, निश्चल क्या कर रहा है बेटा? व्हाट सर? कुछ कर रहा है क्या, मतलब सो गया क्या? नो सर, नोरिंग आ रहा है मतलब? नहीं सर। ठीक है, म्यूट म्यूट रखो। ओके, हाँ उदित क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं सर। तो ये हैंड साइन क्यों रखे? वो गलती से हो गया, सॉरी। सर एट, एट और
let tr be the rth term of ap whose first term is a, common difference is d. If for some integer m n, m dash for integer m and n, I think, और कुछ नहीं होगा तो a minus d क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना सर. वो सिंपल क्या है m dash n, वही वही डाउट. नहीं 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 वो कुछ नहीं है शायद. फॉर द इंटीजर m एंड n, m dash तो कुछ नहीं है क्वेश्चन ना, सिर्फ m एंड n, वो गलती से हुआ है. सर वही समझना नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसे m dash कहीं पे नहीं है. तब हो गया सर. ओके नेक्स्ट सर, 12th क्वेश्चन. ₹150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. Four workers dropped the second day, then again dropped. Okay, and so on. It takes 8 more days to finish the total work. The number of days in which the work was completed. कितने दिन में काम खत्म हुआ. ओके 150 वर्कर्स, और लेटेस्ट है उनका एन डेज का असाइनमेंट था. ठीक है, तो एक वर्कर कितने दिन में करेगा. ₹150 into n days में करेगा ना. है कि नहीं. Yes sir. Okay. तो आपका एवरीडे फोर फोर मतलब ये हो रहे ड्रॉप हो रहे, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया -4. क्या करेंगे इसमें, बोलो कैसे करेंगे. पीएन निकाले. पीएन टी टीएन पीएन. ओके पीएन मतलब जनरल टर्म. कैसे निकालेंगे फॉर्मूला में एन को बस नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी सब जगह वो आ जाएगी वैल्यू. फॉर्मूला में क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी है ना, तो उसमें ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये क्या है 150. डी आपका -4, एन हो गया 150 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन बट काम भी कंप्लीट होना चाहिए, ये भी है ना, 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है. फर्स्ट डे तो नहीं,
जो वर्क है ना उसका कितना परसेंटेज काम होगा थर्सडे? वर्कर्स इन डेज नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? किसी को मिला? बताओ किसी के पास कुछ आइडिया है? मतलब तो एपी तो जा रहा है 4444 लेस हो रहा है, बट इसको हाउ टू राइट? N plus 8 days में ना N plus 8 by 2 whole into 2A into 150 300 plus N plus 7 into minus 4 equal to क्या होना चाहिए? 150 N 150 N 150 N तो n प्लस 8 आपका ये 2 कॉमन चला जाएगा ये दोनों से, तो ये रहा 150 सॉरी 2 कॉमन जाके कैंसिल होगा, हाँ ये रहेगा 150, ये होगा माइनस 2n माइनस 14 राइट? Yes, sir. ये कितना 136 अच्छा इसमें भी आप कैंसिल कर सकते हो 2 ये दोनों हो गया 136 बाय 2 कितना 78 माइनस n equal to 75 n. मैंने 2 a 2 इसके साथ कैंसिल कर रहा है. That implies you'll get 78 n minus 70 n हो जाएगा. 70 n. Then 78 into 8 minus n square equal to 75 n. बराबर? That implies n square plus 5n minus 78 into 8 equal to 0. 78 factors क्या आ रहा है? 2 into 39. हाँ. सर पहला वाला 70n नहीं होगा ना, 78n होगा. पहला वाला
सेवेंटी एन नहीं होगा ना, 78 - 8n। ओके ओके सॉरी। ये 13 × 3 ना, तो फैक्टराइज कैसे होगा? 2, 3, 13, 8। फैक्टराइज करो मुझे। 5 मतलब मल्टीप्लिकेशन 78 × 8 आर सम इन द 5। कितना आ रहा है? 13 × 4 कितना? 52। नहीं, सर वो 68 होना चाहिए ना। 68 होना चाहिए ना। 136 yes, का हाफ 136 का हाफ 68 होता है। 68 होना चाहिए। हाँ मिस्टेक क्या? अच्छा 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 सॉरी 78 कर दिया। ओके तो हो जाएगा अभी। हाँ तो ये हो जाएगा 60n। ओके 60 होगा तो 52 नहीं ये कितना आया? 15n आया। अब ये बराबर है नहीं, ये 68 × 8 होगा। 544 आएगा सर। 68 होगा तो कितना फैक्टराइज करो ना 68 का। वो मल्टीप्लाई ऐसे मत करो, 68 का फैक्टर्स बनाओ। 17 × 4 ना, 2, 17, 34। हाँ × 2, 2, 2, 2 इतना मुझे 15 चाहिए। 32, 17 बराबर। अच्छा मैं और एक बार लिख देता हूँ। हो गया। Implies, आपका n plus 8, ये आपका हो गया 36 मतलब 68 - n is equal to 75n, तो आपको मिलेगा 60n and then plus 68 × 8 - n² = 75n. Implies n² + 15n - 68. 68 you can write 72 × 2 × 8 = 0. So ye 32 and 17. 32 - 17 is the 15. So n² + 32n - 17n - जो भी है 68 × 8। ओके और 17 × 32 = 0, तो आपका n + 32 × n - 17 = 0, देन n = -32 or 17। बट माइनस 32 तो नहीं होगा, 17। ये 17 + 8। हाँ एक्चुअली ये था 17 डेज में खत्म होने के लिए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ रिड्यूस ऑफ लेबर, तो आपका 8 डेज एक्सटेंड हो गया, तो आंसर हो जाएगा 25।
वो पूछ रहा है कि कितने दिन में अभी खत्म हुआ, बराबर सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये इक्वेशन कहाँ से आया? एन प्लस एट बाई टू अभी कितने दिन में मतलब ये खत्म हुआ, वर्क कितने दिन में खत्म हुआ? जो प्रोजेक्ट था वो कितने दिन में अभी खत्म हुआ? एन प्लस एट डेज में। एन प्लस एट डेज में हम इनिशियल टारगेट हमारा था कि एन डेज में खत्म करने के लिए, बट बाय टेकिंग 150 वर्कर्स, बट ग्रेजुअली एवरी डे 4-4-4-4 रिड्यूस होता गया। तो फर्स्ट डेज में 150 वर्कर्स यूज हुए, सेकंड डेज में 146, थर्ड डे में 142, ऐसे। तो एन प्लस एट डेज में कितने में काम कर चुका हूं? एन प्लस एट बाय टू, इसका एस एन मैंने एस एन प्लस एट निकाला, दिस इज एस एन प्लस एट। एस एन प्लस एट डेज में मैं कितना वर्क कर सकता हूं रिड्यूसिंग के हिसाब से? एन प्लस, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू, एन की जगह एन प्लस एट, एन प्लस एट बाय टू होल इन टू टू ए। इनिशियल क्या है 150 वर्कर्स, तो 2a हो गया आपका, a हो गया 150, d हो गया माइनस 4, तो 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n प्लस 8 माइनस 1, n प्लस 7 इंटू डी, एक्चुअली इट इज व्हाट 150 इंटू n। ये तो एक एक वर्कर्स का हिसाब से किया गया ना, तो टोटल एक एक वर्कर हमारा कितने दिन में काम करता था, इसको कितने दिन में फिनिश करता था, 115 टू एन। तो दिस वन सेम एज 115 टू एन। अभी सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर एन डन। ओके सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? नंबर 4 में फिर क्या हुआ? इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना क्लास में? हाँ सर। हाँ सिमिलर क्वेश्चन किए थे, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? ग्रांस क्या हुआ बेटा, आप प्रीवियस क्लास में नहीं थे क्या? हाँ इलेवेंथ, इफ एस आर डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन एपी देन एस थ्री आर, माइनस एस आर माइनस वन अपॉन एस टू आर माइनस एस टू आर माइनस वन, ये कितना होता है? एन टू आर टू आर टर्म, टी टू आर, एस टू आर माइनस एस टू आर माइनस वन इज द टी टू आर, एंड बाकी एस थ्री आर, एस थ्री आर का फॉर्मूला डालो क्या हुआ, हियर बाय टू होल इनटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस आर माइनस वन बाय टू होल इनटू टू ए प्लस सॉरी एन के जगह कितना है इधर थ्री आर, और ये होगा आर माइनस वन माइनस वन आर माइनस टू इंटू डी,
अपॉन टी टू आर, टी टू आर कितना होगा? टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अरे वन ए प्लस एन माइनस वन डी, एन क्या है टू आर, ए प्लस टू आर माइनस वन इंटू डी, आपका एन क्या है टू आर हियर, तो एन की जगह टू आर माइनस वन, मतलब एन माइनस वन मतलब टू आर माइनस वन, ओके अच्छा इसमें आप देख लीजिए दोनों का ए टर्म रखो, अब 2a by 2 आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 2a 2a कैंसिल कर सकते हो, सॉरी 2a के साथ 2 कैंसिल कर सकते हो, आपका a कॉमन जाएगा, यू विल गेट 3r माइनस r माइनस 1, ऑल राइट, दोनों का a टर्म, फिर रखेंगे दोनों का d टर्म, दोनों का d टर्म क्या होगा, d by 2 कॉमन चला जाएगा, देन 3r इंटू 3r माइनस 1 माइनस आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू अपॉन आपका डिनोमिनेटर जो भी, विच इज ए इंटू, ये आपका हो गया टू आर प्लस वन, राइट, प्लस डी बाय टू, इसमें आपको क्या मिलेगा, नाइन आर स्क्वायर माइनस थ्री आर माइनस आर स्क्वायर प्लस थ्री आर माइनस टू अपॉन योर डिनोमिनेटर विच इज टू आर प्लस वन इंटू ए प्लस डी बाय टू, आपका थ्री आर कैंसिल हो गया, आपका नाइन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एट आर स्क्वायर माइनस टू, अगेन टू यू कैन टेक कॉमन, देन फोर आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर, अगेन डी डी कैंसल्ड, फोर आर स्क्वायर माइनस वन यू कैन राइट टू आर प्लस वन इंटू टू आर माइनस वन, तो टू आर प्लस वन टोटल कॉमन चला जाएगा, देन यू हैव ए प्लस टू आर माइनस वन इंटू डी, डिनोमिनेटर ऑल्सो ए प्लस टू आर माइनस वन इंटू डी कैंसल्ड, आंसर इज द टू आर प्लस वन, समझाइए, यस सेकेंड फिफ्थ थर्टीन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 99, तो बाकी सबका कैसा सेकंड वन डाउट नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो सेकंड वन सबका डाउट होना चाहिए, सर हो गया, हो गया कैसे हुआ सर, कोएफिशिएंट ऑफ एन माइनस वन का पावर वाला टर्म का होगा माइनस ऑफ समेशन ऑफ फैक्टर, जैसे कि अगर जैसे ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ऑल द वे टू एक्स माइनस हंड्रेड है, देन एक्स पावर 99 का होगा माइनस ऑफ सम ऑफ 1 टू 100, तो वो चीज आपको पहले से पता हुआ होगा, नहीं सर वो एक्चुअली मैंने x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को देखा और उससे वो पैटर्न देखा, ठीक
वो ये पैटर्न फॉलो किया होगा तो फिर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन दिस क्वेश्चन, ये तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा, इफ यू मल्टीप्लाई दिस 100 तो डेफिनेटली इसका फर्स्ट टर्म x टू द पावर 100 होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टर्म आपका x टू द पावर 99 जो आपका क्वेश्चन है। अब ये याद रखो, सपोज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बेटा इंटू एक्स माइनस गामा करते हैं, ठीक है ना। आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म x टू द पावर 4, सॉरी x टू द पावर 3। हम आप ऑलरेडी यू नो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको आप सम ऑफ रूट्स बोलते हो, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हो। ऐसे तीन टर्म को मल्टीप्लाई करोगे यू गेट माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक रूट का सम, प्लस आपको दो दो रूट का सम मिलेगा, अल्फा बीटा इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स होगा, एक्स का पावर ऐसा ऐसा डिक्रीज करेगा, ये अल्टरनेटिव साइन पर जाता है, फिर हो जाएगा माइनस, थर्ड को होगा तीन तीन रूट का सम, जैसे हम ये में टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में किए थे ऐसा, तीन तीन रूट का सम आएगा, ये अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू जीरो। सपोज ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जीरो मत रखो अभी, इसको ऐसे रखो, ठीक है। सपोज ऐसे चार मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, एक्स रेस टू फोर, एक्स रेस टू फोर, देन एक एक रूट का सम इंटू ये सब रूट होता है ना, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा, इसको आप जीरो कर दोगे आपको चार रूट्स मिलता है, क्या क्या मिलता है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, इसलिए मैं रूट्स यूज कर रहा हूँ। तो सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स का एक एक पावर डिक्रीज करेगा, देन प्लस होगा सम ऑफ टू टू रूट्स, मतलब अल्फा वन अल्फा टू इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस होगा सम ऑफ थ्री थ्री रूट्स, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इंटू एक्स, देन फोर्थ होना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ फोर फोर रूट्स आप बोल सकते हो। तो दैट केस यू विल गेट ओनली एक ही टर्म मिलता है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, ये मिलता है। और जब ये प्लस में होता है ना तो सबके सब प्लस हो जाता है, माइनस में होता तो अल्टरनेटिव साइन देता है। तो इसी हिसाब से आपको नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस होगा x टू द पावर 98, देन माइनस होगा x टू द पावर 97, ऐसे चलता रहता है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यू विल गेट x टू द पावर 100 माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x टू द पावर 99, then sum of two two roots into x to 100 होगा 98 ऐसे। but question आपका x to the power 98 का 99 का coefficient पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 roots इधर क्या है, if you make zero you will get roots, roots क्या मिलेगा 1 2 3 4 up to 100, ठीक है। तो आपका आंसर होगा x टू दी पर 100 माइनस, ये इसके जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस 100 इनटू x टू दी पर 99। देन आगे के लिए क्वेश्चन ये आपका पूछ रहा था कि कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 1 टू 100 का सम कितना, 5050
यस 100 बाय 2 ये तो एपी में रहा और आपको फर्स्ट टर्न और लास्ट टर्न भी पता है तो 100 बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्न प्लस लास्ट टर्न लिख सकते हो और इसके आगे माइनस भी है तो आंसर हो जाएगा माइनस 50 इनटू 101 दैट इज माइनस 50 बराबर समझाइए यस सर Fifth and 13. If the roots of the equation are in AP, then common difference. Okay. X cube minus 12x square plus 39x minus 28 equal to 0. तो वो बोल रहा है कि roots are in AP. तो रूट्स को हम अल्फा बीटा गामा ले रहे कंसीडर अल्फा आज थ्री टर्म्स ऑफ अपन एपी क्या ले सकते हो यू कैन कंसीडर ए माइनस डी ए बीटा को ए ले रहा हूं गामा को ए प्लस डी ले रहा हूं बराबर लास्ट टाइम बताया था ना थ्री टर्म्स होगा तो हम कैसे यूज करते हैं तो अब इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा ये लिख सकते ना क्योंकि रूट्स आर अल्फा बीटा गामा हम बोलते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसका रूट्स क्या होगा 5 and 1 x plus 2 into x plus 3 इसका रूट्स होता है माइनस 2 एंड माइनस 3 फैक्टराइज करोगे कि फॉर्मूला डालोगे तो क्या आएगा माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो एक माइनस 2 मिल रहा है एक माइनस 3 मिल रहा है ठीक है ना और इसको फैक्टराइज करोगे आपको क्या मिलेगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0 जब रूट आपका माइनस 2 हुआ आपको फैक्टर क्या मिला x प्लस 2 जब रूट माइनस 3 मिला आपका फैक्टर हुआ x प्लस 3 तो व्हेन रूट इफ रूट इज द अल्फा तो आपको डेफिनेट एक फैक्टर मिलेगा x माइनस अल्फा इफ रूट इज द बीटा अनदर फैक्टर यू विल गेट x माइनस बीटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
whose roots are alpha and beta is kya hota hai x minus alpha into x minus beta equal to 0. अब क्या ऑलरेडी आपको पता है x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. यही आपको पता है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करो, you will get same thing. X square minus beta x minus alpha x minus alpha plus beta into x plus alpha beta. तो जितने roots से होता है ना, suppose मैं पूछूंगा quadrat fourth degree equation whose roots are 2 minus 3 7 and 15, क्या लिखोगे? x minus 2 into x plus 3 into x minus 7 into x minus 15. यस, ये आपका इक्वेशन होगा ही होगा. x minus 2 into x plus 3 into x minus 7 into x minus 15 equal to 0. इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, देखोगे वही चीज आएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? ये था x to the तो आपका x minus alpha into x minus beta into x minus gamma equal to 0 होगा. If you take roots are alpha beta gamma, if you consider alpha beta gamma are the roots, then आपको ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया गया ना, आपको मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा x minus alpha into x minus beta into x minus gamma equal to 0. और ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलता है, x cube minus sum of roots into x square plus sum of 2 roots. Sum of 2 roots मतलब आपको मिलेगा alpha beta बीटा गामा गामा अल्फा, तीन से दो दो को सिलेक्ट करना है, देन माइनस मिलेगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0. अब आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो. एक्स क्यूब जाके एक्स क्यूब आ चुका है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका 12 होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपका 39 होगा. एंड अल्फा बीटा गामा, ये देखो साइन भी बराबर दे रहा है, ये प्लस ये माइनस के लिए माइनस, इसलिए मैंने सीधा सीधा कंपेयर किया, ये भी प्लस ये माइनस. तो इफ यू कंपेयर दिस टू, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल रहा है 12, एंड अल्फा बीटा गामा कितना मिल रहा है, 28. अल्फा बीटा गामा मिल रहा है 28. व्हाट इज योर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने जो कंसीडर किया इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 3 है. तो आपका डी कैंसिल हो जाता है, तो 3a इज इक्वल टू 12 इंप्लाइज a इक्वल टू 4 मिल. ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की जगह a माइनस डी, ए की जगह आप 4 डाल सकते हो, देन ए, देन ए प्लस डी, इट इज गिवन 28. मींस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इनटू 4 इक्वल टू 28. दैट इंप्लाइज डी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 7 9, तो डी हो जाएगा प्लस माइनस 3. क्या क्वेश्चन पूछा था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो आइदर प्लस 3 और माइनस 3. समझ में आया, मेन ये चीज है. थर्टींथ क्यों डाउट है, एस एन दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n,
SM 164 तो M का वैल्यू पूछ रहा है, ये तो इजी वन। If SN is the 3n square plus 5n, then what is the Tn? Tn क्या होता है? Formula दिया था? SN minus SN minus yes, SN minus SN minus 1, ये आपका Tn होता है। तो SN के जगह 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस sn माइनस 1, sn माइनस 1 यू कैन राइट 3n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 इनटू n माइनस 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए ये इजी रहेगा, आप n स्क्वायर टर्म मतलब इसको 3 कॉमन रखो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर होगा प्लस ये तो आपको दिखाई दे रहा है मतलब ये 5n 5n कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें a प्लस b इनटू a माइनस b डाल दो इंस्टेड ऑफ मतलब इसका n स्क्वायर करने से ये बेटर रहता है क्योंकि कंजुगेटिव टर्म, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डालेंगे तो a प्लस b इनटू a माइनस b इज द 1 प्लस 5 व्हिच इज 6n माइनस 1 नो प्लस 2 दिस इज tn। तो tm क्या होगा? 6m प्लस 2 इट इज गिवन 164, तो 6m होगा 162, तो कितना m कितना हो गया 27 सर। अगर हम वो SN के फॉर्मूले में 1 फिर 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे और d मिल जाएगा, फिर उससे भी फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ बट हाँ वो मिलता है लेकिन इसमें आपको नहीं दिया गया कि इट इज AP, ऑल्दो इट इज क्वेश्चन ऑफ AP बट ये कोई भी सीरीज का हो सकता है। ये कोई भी सीक्वेंस का हो सकता है। नहीं सर उसको एपी प्रूफ कर देंगे ना कि डी सबके लिए सेम आ रहा है इसके लिए चलेगा। आपको S1 निकालना पड़ेगा फिर S2 को A प्लस हाँ सर S N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा ना। हाँ, S2 होगा आपका T2 नहीं होता है, T1 प्लस T2 होता है, ठीक है। उससे फिर D निकालोगे S1 आपका T1 होता है दैट इज इटसेल्फ A हो जाता है, बट S2 T2 नहीं होता है, S2 होता है T1 प्लस T2, फिर T1 का वैल्यू डाल के D निकालना जाता है, वो भी कर सकते हो बट मैं जो बताया वो इन जनरल केस होता है। तो आपको तीन क्योंकि आपको यहां से T1 मिलेगा T2 मिलेगा फिर आपको S3 निकालना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा whether it is AP or GP, दो टर्म में तो आप बता नहीं पाओगे।
ठीक है ना, आपको कम से कम तीन टर्म मिनिमम निकालना पड़ेगा, तो मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी जैसा दिखता है, बट फोर्थ टर्म यूज होगा तो फिर एपी नहीं रहेगा, इसलिए जनरलाइज करके करना आसान होता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये सीरीज क्या है, सॉरी ये सीक्वेंस क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, लास्ट टाइम एपी हुआ था, कम टू जीपी ना, जीपी बताया था क्या कि नहीं? जीपी का सीक्वेंस कैसे होता है? 1 by n n square मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। आपका सीक्वेंस होता है a a r a r square a r cube and so on। एपी में एक कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो होता है, एक फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जीपी। ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये आपका T4। तो व्हाट इज योर Tn? व्हाट इज फर्स्ट a द a इज कॉल्ड फर्स्ट -1, r इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, r इज कॉल्ड कॉमन रेशियो व्हिच इज एनी टर्म इट T2 अपॉन T1 करो और T3 अपॉन T2 करो और T100 अपॉन T99 करो, ये भी दैट इज योर कॉमन रेशियो एनी टर्म बाय इट्स प्रीवियस टर्म, और यू कैन मेक Tn अपॉन Tn-1। व्हाट इज योर Tn? Ar^n-1। यस, सेकेंड टर्म में आपका आर पावर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में आर पावर 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म आर पावर 3 हो रहा है, तो nth टर्म आपका हो जाएगा Ar^n-1। दिस इज योर Tn। नाउ कम टू Sn। Sn क्या होता है सर? अगर a ग्रेटर देन 1 है तो r ग्रेटर देन 1। हाँ, r greater than 1 है तो फिर सर वो उसका ऐसा फॉर्मूला रहता है सर, भूल गया। 1 minus rn by a multiplied by 1 minus r। Is it? Yes sir। फिर a कहाँ चला गया? सर अगर r greater than 1 है तो r^n-1 by a। ऐसे फॉर्मूला याद मत रखो, भूल जाओगे जो अच्छा रहेगा, गलत फॉर्मूला याद रख के कोई मतलब नहीं। इफ आर मोर देन 1, आर लेस देन 1 होगा तो 1 minus r raised to n, 1 minus r। इफ आर लेस देन 1, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? वन और आर को इंटरचेंज कर दिया। डिफरेंस क्या है, मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस वैल्यू मिलेगा? मैं आर मोर देन 1 के लिए सेकंड फॉर्मूला डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? माइनस सर, आंसर नेगेटिव हो जाएगा। कहाँ नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा ना, न्यूमेरेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, क्या दिक्कत है? क्या डिफरेंस है? आप न्यूमेरेटर नेगेटिव कम माइनस कॉमन लो
डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लो, यही तो मिलेगा। कहाँ नेगेटिव दिखाई दे रहा है? नथिंग डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। नो नीड टू रिमेंबर बोथ फॉर्मूले, कोई एक आप याद रखो, इट मे बी फर्स्ट वन, इट मे बी सेकंड वन, आज यू लाइक, ऐसा कुछ नहीं। ओके, इफ आर इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि आर के जगह जब वन आएगा तो ये अनडिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड होगा। ओके, बट फर्स्ट सीरीज में कोई जो सीक्वेंस दिया गया, ये सीक्वेंस चेक करो, आर के जगह वन डाल के आपको क्या क्या मिलेगा, ए ए ए ऐसा रहेगा, तो एसएन का सम क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों? वन माइनस वन हो जाएगा, आर की जगह वन डाला ना। हाँ, तो अपॉन करेंगे एसएन में। अरे इधर नहीं बोल रहा हूँ, इधर बोलो एन इनटू ए, तो दिस इज द फॉर्मूला। इधर डालोगे तो अनडिफाइंड होता है, बट आपका एक्चुअल सीरीज ये है, एक्चुअल सीक्वेंस ये है, इसमें डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ये नहीं होगा। तो दिस इज द एन इंटू ए इफ आर इक्वल टू वन, नो नीड टू रिमेम्बर इन दिस वे। कोई एक आइदर आपको जो अच्छा लग रहा है दोनों से उसके साथ जाओ, कोई एक फॉर्मूला याद रखो, नो नीड टू यूज डबल। तो ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन अपन वन, स्कूल में सर वैसा क्यों सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं मुझे तो पता नहीं, आप लोग क्यों पूछे नहीं, जबकि मुझे कोई डिफरेंस नहीं दे मिल रहा है। कुछ आपको पूछना चाहिए, ऐसा क्यों है, बुक में दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है ना, आप बताओ ना मुझे डिफरेंस क्या है। सर आर अगर वन हो गया तो जीपी रहेगा ये फिर भी, क्योंकि सारे ए ही है। बिल्कुल जीपी रहेगा, डिस्टिंग जीपी नहीं होगा, जीपी रहेगा। तीन तरह के जीपी होता है, एक इंक्रीजिंग जीपी होता है, डिक्रीजिंग जीपी होता है, एक कांस्टेंट जीपी होता है। This one also GP, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर R zero होगा तो भी GP होगा? नहीं नहीं, R zero हो जाएगा तो आपको सिर्फ first turn बचता है, sequence आपका बनता ही नहीं। Okay. R zero नहीं होगा, ये पहले condition आ जाएगा इसमें, तो आगे के लिए लिखने का जरूरी नहीं। इधर R is not equal zero, but R equal to one हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Ten ten ten, वो also GP। आपका इफ एबीसीआर इन जीपी फॉर्मूला क्या होगा? इंप्लाइज व्हाट? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, एसी तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, तो मैं सेवन 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 लिख रहा हूं, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी नहीं हो रहा है क्या? इधर भी बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आ रहा है ना, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमन रेशियो वन हो सकता है, ठीक है। आपका सेवन सेवन सेवन, ये भी एपी, ये भी जीपी, ये भी एचपी, सब कुछ यही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एपी भी लिया जा सकता है, इसका कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाएगा, बट कॉमन रेशियो को जीरो नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉमन रेशियो को जीरो कर देंगे तो आपका सीक्वेंस बचेगा नहीं, फर्स्ट टर्म रहेगा, बाकी सब जीरो 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 हो जाएगा, इसलिए कॉमन रेशियो मतलब कॉमन रेशियो को जीरो नहीं लिया जाता है, ठीक है।
उसमें भी आगे एक टर्म आएंगे, मतलब ये उसमें भी और क्लियर होगा टर्म्स आर इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन, ओके इट इज एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर इफ आर इज नॉट इक्वल टू वन, इफ आर इक्वल टू वन आपका एन इंटू ए होगा आंसर, ठीक है। अब ये याद रखो, नहीं तो ये याद रखो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में आप खुद देखो, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यू विल गेट वन माइनस आर रेस टू एन, इधर भी एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यू विल गेट वन माइनस आर, माइनस माइनस बाद में कैंसिल हो गया, यू विल गेट सेम थिंग, नथिंग डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा बहुत आगे एस इंफिनिटी एक टर्म होता है उसमें आपको पता मतलब रहता है, बट इसमें कुछ नहीं रहता है। आपको इसका प्रूफ चाहिए क्या? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू गेट एस एन, एस एन कैसे मिलता है? डू यू नो सर? वो फर्स्ट से लास्ट और लास्ट से फर्स्ट ऐड करते हैं, फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट ऐड करेंगे। सर आपने लास्ट टाइम वो एपी में भी वैसा ही किया था ना कि पहले में हुआ था, इसमें होगा ऐसा जरूरी है? इसमें नहीं होगा। एसएन का मतलब क्या होता है? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन अप टू ए आर एस टू एन माइनस टू प्लस ए आर एस टू एन, दिस इज योर एस एन। इसमें एक काम करो, आर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई आर विथ योर एस एन, क्या मिलेगा? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब टिल ए रेस टू एन प्लस वन। यस, ए हो गया ए आर, मैंने एक टर्म छोड़ के लिख रहा हूँ, ए आर हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर हो जाएगा ए आर क्यूब, ए टर्म के नीचे इसका ही आ जाएगा, ये हो जाएगा ए आर रेस टू एन माइनस वन, नेक्स्ट हो जाएगा इसका इंटू आर करेंगे तो ए आर एस टू एन, बराबर कि नहीं? मैंने एक टर्म शिफ्ट करा के लिखा दिया, क्यों लिखा? क्योंकि सिमिलर टर्म आ रहा है, इसके बाद हम माइनस करेंगे तो वन माइनस आर इंटू एस एन विल गेट व्हाट? ए आर एन, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए नहीं ए बचेगा, ये किसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये बचेगा और ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए आर एस टू एन, ए आर एस टू एन भी बचेगा ना? हम्म, ए आर एस टू एन भी बचेगा ना, और ए टर्म किसके साथ कैंसिल हो रहा है? ये फर्स्ट किसके साथ कैंसिल नहीं हुआ ना? यस सर, तो ये बचेगा और ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हुआ, ये बच रहा है, बट आ गया सर एसएन का फॉर्मूला, ठीक है, व्हिच इज ए इनटू 1 माइनस आर रेस टू एन, दिस इज द फॉर्मूला 1 माइनस आर इनटू एसएन, मुझे एसएन चाहिए, देन यू विल गेट ए इनटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस, बराबर। As you are taking this one as denominator, तो condition आपका रह जाता है कि r is not equal to one. But r की जगह one डालेंगे तो मेरा series बन रहा है, आपका sequence बन रहा है, series बन रहा है, तो series का answer बनेगा, SN बनेगा, ठीक है? And if r is equal to one, then आपको मिलेगा n into a. इधर कहाँ पे कंडीशन आया मोर देन वन लेस देन वन, कहीं पे मिला देखा के? कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ कंडीशन आया कि आर इज नॉट इक्वल वन, बराबर।
come to properties. Let your sequence is the AR square, as it was we have with is it the GP with common difference, sorry, common ratio. That is called CR equal to R. ठीक है तो मैं ले रहा हूँ A one, A two, A three and so on up to A n. Let A one, A two, A three up to A n are in GP with common ratio R. Then A one plus K, A2 plus K, A3 plus K and so on. Are in GP or not? No, sir. Not in GP. No, sir. So they are in not GP. Okay. Multiply karenge to A1 into K, A2 into K. Yes, sir. Are in GP. Yes, sir. They are in GP. Common ratio? Sir, same as before. RK. Sir, first term A1K हो जाएगा. First term A1K हो जाएगा. नहीं, common ratio पूछ रहा हूँ. वो same रहेगा. कुछ fix power करेंगे. A1 to the power K, A2 to the power K, A3 raised to K and so on. Are in GP or not? वो GP में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Common ratio क्या होगा? कॉमन रेशियो क्या होगा? आर 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 स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से आ गया? व्हाट इज योर टी टू अपॉन टी वन? कॉमन रेशियो क्या होता है? टी टू अपॉन टी वन, टी थ्री अपॉन टी टू, ऐसे ही होता है ना? चेक करो सर. आर के आर रेश टू के. हाँ, टी टू नॉट कॉमन रेशियो. तो टी टू मतलब ए टू अपॉन ए वन टू दी पर के होगा, विच इज ए टू अपॉन ए वन इटसेल्फ आर आर टू दी पर के. नहीं, आप टी थ्री अपॉन टी टू रखोगे, यू विल गेट ए थ्री अपॉन ए टू होल टू दी पर के, दैट ऑल्सो आर एस टू के. तो कॉमन रेशियो होगा आर टू दी पर के. ठीक है, तो वही लाइन में मैं लिख रहा हूँ जो एपी में लिखे थे ना, ऐसे फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे एपी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे भी एपी होगा, बट पावर करेंगे जीपी, सॉरी एपी नहीं होगा. इसमें वही लाइन में मैं लिख रहा हूँ, ऐड करेंगे तो फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे तो इट्स नॉट ए जीपी, बट मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट जीपी विद कॉमन सेम कॉमन रेशियो. फिक्स पावर करेंगे तो वो भी जीपी होगा, कॉमन रेशियो होगा आर रेस टू के. Okay. Next. If ABC are in GP, then आपको मिलता है B square equal to SC. That implies B is equal to रूट ए सी. मैं इसको एबीसी बिलोंग टू आर प्लस कर देता हूं. आर प्लस करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो फिर ये नहीं मिलेगा. तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी एंड बी इज कॉल्ड
ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन ए एंड सी. हम ऐसे ही कहते थे, वही लाइन में लिखे थे, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी. इसमें सर उसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं ना. हाँ, मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. लाइक दैट इफ ए बी सी डी आर इन जी पी ओके देन B and C are called two geometric means in between A and D. B and C are called two geometric means in between A and D, and their product. And their product, that is B into C, is equal to or root AD ka square hota hai. Hum AP mein bhi aise likhe the. If A B C D are in AP, then B and C are called two arithmetic means in between A and D, and their sum. Wo time par sum hua tha, isme product hoga, and their sum B plus C equal to आपको क्या मिला था? ए प्लस डी बाय टू होल स्क्वायर, सॉरी इंटू टू. आपको उधर मिला था ए प्लस डी बाय टू इंटू टू, मतलब ए प्लस डी मिला था. इधर भी ए डी मिल रहा है आपको, बट मैं एक फॉर्मेट यूज करना चाह रहा हूं, दैट इज रूट ए डी का होल स्क्वायर. रूट ए डी क्यों लिखा? ऊपर भी वैसा ही है. फिर अगर अपन रूट एडी मतलब एडी का जी ज्योमेट्रिक मीन, ए एंड डी का ज्योमेट्रिक मीन, उसका स्क्वायर होगा. आप खुद चेक कर सकते हो. ए बी सी डी आर इन जीपी मतलब ए को आप क्या लिख, बी को क्या लिख पाओगे? ए आर. सी को लिख पाओगे ए आर स्क्वायर. डी को लिख पाओगे ए आर क्यूब. व्हाट इज योर बी इनटू सी? A square R cube. What is your A into D? A square R cube. वही आया ना? ठीक है? Like if A B C D E are in GP, then B C D are called three geometric means in between A and E. A and E के बीच में three geometric means and their product मतलब B into C into D क्या हो जाएगा? Root AE का whole cube. Root AE का whole cube. इसको generalize कर देंगे तो क्या होगा? AE into root AE. हाँ नहीं. A G one G two G3 up to GN and B, ये सब what ये सब belongs to real plus कर रहा हूँ. मैं safe hand में जा रहा हूँ. real plus negative भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, but मैं safe hand में जा रहा हूँ, कोई controversy नहीं आएगा. Let A G1 G2 G3 up to GN B belongs to R plus and they are in GP. If they are in GP, then first and last को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलेंगे? Then हाँ geometric. G1, G2, G3 up to GN are called N geometric means in between A and B and their product. And that product means
जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री एंड सो ऑन अप टू जी एन इज इक्वल टू क्या होगा रूट ए बी टू दी पावर एन, जितने मेन उतना ही पावर हो जाएगा, ठीक है। बट ये जीपी में होना जरूरी है, ये सब जीपी में होना जरूरी है। इसमें आप एक नोट करो, लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बिलोंग्स टू आर प्लस, नॉट नेसेसरी ये कोई सीक्वेंस में रहेगा, कोई भी रैंडमली आप एन टर्म्स उठा लिए देन देयर अरिथमेटिक मीन क्या होगा। रैंडमली मैंने कोई एन टर्म्स उठाया, नॉट नेसेसरी दे आर इन एपी और जीपी और एनी सीक्वेंस, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए ए ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री टिल ए रेस टू एन डिवाइड बाय एन। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए वन इनटू ए टू इनटू ए थ्री अप टू इनटू ए एन टू द पावर। अरिथमेटिक मीन होता है देयर सम बाय एन, ज्योमेट्रिक मीन होता है देयर प्रोडक्ट टू द पावर वन बाय एन। समझा, कॉपी करना। हाँ सर, नीचे
डन सर एक डाउट था सर वो नोट लिखा था ना आपने G1 इन G2 वो G^m तक था तो इसमें रूट ए भी m+2 नहीं होएगा कौन से रूट में ये जो जनरल टर्म के लिए लिखा ना ज्योमेट्रिक मीन का ये लास्ट को नहीं उसके ऊपर अच्छा हाँ इसमें रूट ए बी जितने जितने मीन उसका पावर उतना होता है इधर देखो ना इसमें कितने मीन था तीन बट टर्म्स तो पांच था ना हाँ मैंने क्या लिखा रेस टू पावर थ्री थ्री लिखा समझा फाइव नहीं लिखा इधर जितने मीन उतना ही पावर होता है डन सर 2 मिनट नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस देन अरिथमेटिक मीन क्या होता है ए प्लस बी बाई टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए बी रेस टू हाफ मतलब रूट है ठीक है If you have 100 terms and we have to find the geometric mean, then you have to keep multiplying 100 random terms होगा तो ये करेंगे randomly कोई भी 100 terms आप ले रहे हो और उसका mean पूछ रहा है geometric mean बिल्कुल आप multiply करना पड़ेगा But if they are in GP, if they are in GP, तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा उनका geometric mean क्या होता है ठीक है बताता हूँ ये पहले explain करते फिर देखते arithmetic mean होता है a plus b by 2 and geometric mean होता है root a b and clearly आपका a m greater than equal to zero आपका am clearly greater than equal to zero हमेशा ऐसा क्यों इसका प्रूफ भी बता देते बिकॉज ऑफ ab belongs to r plus root a exist करेगा root b भी exist करेगा ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर
कोई भी स्क्वायर टर्म ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, इसका स्क्वायर करो यू गेट ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी। अब टू डिवाइड कर देते हैं, देन ए प्लस बी बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी मीन्स योर ए एम ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस, आर प्लस इसलिए रखा क्योंकि रूट ए रूट बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड रूट ए बी भी एग्जिस्ट होगा। सपोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रूट ए बी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हाँ दोनों नेगेटिव होगा तो अच्छा एक मिनट, इक्वलिटी कब सेटिस्फाई करता है? इक्वलिटी सेटिस्फाई ओनली व्हेन, इक्वलिटी मतलब एम इक्वल टू जीएम, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। एम कब जीएम होगा? ए इक्वल टू बी, यस। ये एम इक्वल टू जीएम मतलब ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसका मतलब रूट ए इक्वल टू रूट बी, तो ए इक्वल टू बी। इक्वलिटी सेटिस्फाई ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी, मतलब टर्म्स आर इक्वल होगा तो यू विल गेट एम ग्रेटर देन जीएम। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, यू कैन नोट if a1 a2 a3 and so on up to an belongs to r plus, then their arithmetic mean hota hai a1 plus a2 plus a3 and so on up to an upon n, and geometric mean hota hai a1 a2 a3 up to अभी जस्ट दिया था ये तो, हाँ हाँ, एंड ये नहीं दिया था एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी, देन एम होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, वेदर इट इज थ्री टर्म्स और टेन टर्म्स इन हंड्रेड टर्म्स, कितने भी टर्म्स होगा। एंड ए एम इक्वल टू जी एम ओनली इफ, कब होगा? ईच एंड एवरी टर्म्स जब इक्वल होगा, एम इक्वल टू जी एम ओनली इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। इसमें और एक नोट आप बना सकते हो, कभी क्वेश्चन आपको दिया जाता है इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन आपको ए एम क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो। उधर हम इक्वालिटी नहीं रखेंगे, एम आपको कुछ पता नहीं, देन गो फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। कभी क्वेश्चन दिया जाता है डिस्टिंक्ट नंबर्स और डिस्टिंक्ट वैल्यूज, देन गो फॉर एम स्ट्रिक्टली मोर देन जी एम। एक जगह एम इक्वल टू जी एम होता है, एक जगह होता है व्हेन ईच एंड एवरी टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, इधर भी आप लिख सकते हो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन आपका ए एम स्ट्रिक्टली मोर देन जी एम। सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस, तब क्या होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस देन उनका मतलब प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। हाँ तो जीएम तो निकल जाएगा, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। तो वो केस में एम जीएम का रिलेशन क्या होगा? फिर साइन चेंज हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन नेगेटिव रहेगा इसलिए। हाँ
अरिथमेटिक मीन नेगेटिव होगा बिल्कुल, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों में मैं रिलेशन नहीं निकालूंगा क्योंकि ये तो मुझे पता है एम ऑलवेज लेस देन जीएम होगा ही होगा, ऐसा नहीं। सपोज मैं एम को पॉजिटिव बनाऊंगा कि जीएम को नेगेटिव बना दूंगा तब मुझे रिलेशन चाहिए, क्या होगा ये तो क्लियर नहीं समझा क्वेश्चन क्लियरली। सपोज मैं माइनस टू एंड माइनस एट ले रहा हूं, व्हाट इज योर एम? माइनस फाइव। माइनस फाइव, व्हाट इज द जीएम? फोर। फोर, जब जीएम फोर हुआ तो आप तो लिखोगे एम लेस देन जीएम, इसमें मुझे रिलेशन नहीं चाहिए क्योंकि जो इनी मतलब जब कंपेयर में करता हूं ना दोनों का स्टैंडर्ड बराबर होना चाहिए। तो मैंने इधर दोनों को नेगेटिव बना दूंगा नहीं तो दोनों को पॉजिटिव बनाऊंगा, मतलब मॉड। मॉड हाँ मॉड रखो चलेगा। तो आप वो टाइम पर लिखोगे ए एम लेस देन माइनस ऑफ जीएम, ये होता है क्योंकि एम भी नेगेटिव हो गया माइनस ऑफ जीएम भी नेगेटिव होगा। अब दोनों के बीच में रिलेशन होगा, देखो ये दोनों को इसका जीएम कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस फोर होगा ना, माइनस फाइव लेस देन माइनस फोर। ये आपका फॉर्मूला इफ ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस दैट टाइम आपको एम लेस देन इक्वल टू माइनस जीएम मिलेगा, और यू कैन राइट माइनस ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, नॉट एम ग्रेटर देन जीएम। देखो माइनस एम करेंगे तो क्या होगा सर, ऐसा क्यों करते समझाने? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिला ना। हाँ सर। हाँ तो आपको तो रिलेशन के लिए दोनों का साइन सेम करना पड़ेगा, आप मॉडुलस रखोगे तो एम ग्रेटर देन इक्वल जीएम होगा, उसमें कोई ये नहीं। बिना आप रखोगे मॉड ऑफ एम वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जीएम होगा क्योंकि वो कन्वर्ट कर दिया ना पॉजिटिव कर दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ये नहीं होता है। बट एम जीएम में कैसे रिलेशन रखोगे, आप बोलोगे एम लेस देन जीएम, ये कोई वैलिड केस नहीं होता है क्योंकि एम तो आपको ऑलरेडी नेगेटिव मिल रहा है, जीएम ग्रेटर देन जीएम ये मिल रहा है, लेस देन जीरो मिल रहा है, तो रिलेशन मैं निकालूंगा नहीं। मैं आपके साथ कंपेयर करूंगा तो आपके बैच स्टूडेंट के साथ कंपेयर करूंगा ना, थोड़ी सेवेंथ स्टैंडर्ड बच्चे के साथ कंपेयर करूंगा। कंपेरिजन जब होता है तो उनका स्टैंडर्ड बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों को नेगेटिव करो नहीं तो दोनों को पॉजिटिव करो। एम नेगेटिव हुआ, जीएम एक्चुअली पॉजिटिव मिला, माइनस जीएम रखेंगे तो नेगेटिव, तो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या दिक्कत क्या है? आप हर केस में एम ग्रेटर देन इक्वल जीएम लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। इसको चाहो तो मैं प्रूफ कर देता हूं, लेट ए इक्वल टू माइनस पी, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो पी क्यू किस में रहेगा, बिलोंग्स टू व्हाट? आर नेगेटिव। आर नेगेटिव क्यों सर? पी इंटू क्यू है वो, पी क्यू किस में रहेगा, बिलोंग्स टू व्हाट? आर नेगेटिव। अरे बाबा आर पॉजिटिव होगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग का, नेगेटिव साइन दिखा कि नहीं आपको नेगेटिव लगता है, माइनस साइन देख लेते हो आपको नेगेटिव लगता है,
दिस इज बिग ब्लंडर सर हां हां सर समझा आर बिलोंग्स टू आर आर वाई इज बिलोंग्स टू आर तो मुझे क्या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का क्या मतलब था मैं तो पहले से सबको बिलोंग्स टू आर कर देता ना ए बी किसमें है नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस पी क्या हो माइनस नेगेटिव को मैंने माइनस पी में लिखा तो पी क्या होगा पॉजिटिव तो क्यू क्या होगा पॉजिटिव तो पी पॉजिटिव बिलोंग्स टू व्हाट आर पॉजिटिव आर प्लस तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस होगा तो मैं आप अभी ए को बोल सकते हो कि नेगेटिव रियल नंबर बी को भी बोल सकते हो नेगेटिव रियल नंबर क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस इफ ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस देन ए हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर बी हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर ऑल्दो इट इज माइनस साइन आपको माइनस साइन दिखता है तो आपको लगता है ये नेगेटिव वैल्यू और ये मैं लास्ट दो तीन महीने में वही ट्राई कर रहा हूँ कि नेगेटिव लिखने से माइनस साइन देने से वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं फिर भी आपका दिमाग में वही चलता रहता है आज ए बी पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्योंकि आर प्लस के लिए हम प्रूव कर चुके हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस then am greater than equal to gm so as pq belongs to r plus then you can write am greater than equal to gm what is the am for this p plus q by 2 p plus q by 2 gm root of pq ab isko replace karo a and b mein implies what minus a minus b by 2 greater than equal to minus a minus b root of minus of ab ka m m of ab yes root of ab theek hai ye root ab ho gaya greater than equal to gm of a and b that means minus am greater than equal to gm or you can write एम क्या होगा इफ माइनस ऑफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लेस देन इक्वल टू जीओ लेस देन इक्वल टू माइनस जीएम माइनस ये पॉइंट था ये मैंने सिर्फ टू के लिए बता रहा हूँ टू टर्म्स के लिए इफ ए ए एंड बी बिलोंग टू आर प्लस यू कैन यूज एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अरे त्याच्यात बसू नको ए दुष्यंत इफ ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस देन आपका एम होता है लेस देन इक्वल टू माइनस एंड व्हाट आई एम टेलिंग दिस वन ओनली फॉर टू टर्म्स मतलब इन जनरल केस नहीं है क्योंकि जब नेगेटिव होता है ना चार टर्म ये सब के लिए ठीक होगा बट तीन टर्म होगा तो क्या होगा आपको नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव होता है सपोज माइनस वन माइनस टू माइनस एट ठीक है ना इसका एम क्या होगा ज्योमेट्रिक क्या होगा इसमें तो होगा माइनस सिक्सटीन टू दी पावर वन बाई थ्री इसमें नेगेटिव आता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा बट ये जो मैंने बताया क्योंकि एक केस में नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो कंपैरिजन कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट जो केस रहेगा एक दो केस जब रहते हैं ए एंड बी एम नेगेटिव होता है बट जीएम पॉजिटिव होता है
समझे कि नहीं, तीन टर्म सपोज माइनस वन माइनस टू माइनस फोर, ये तीन टर्म रह रहा हूं, इसका एम क्या होगा? माइनस सेवन बाय थ्री. व्हाट इज योर जीएम? माइनस टू. हाँ, यहां पे दोनों नेगेटिव आ रहा है, इसमें आपको मिल रहा है एम लेस देन जीरो. इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉजिटिव के लिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम था, नेगेटिव के लिए दोनों नेगेटिव जब आता है ना तो आपका सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज होगा और कुछ नहीं होगा. बट दो टर्म के लिए जीएम नहीं मिलता है, दो टर्म के लिए सॉरी जीएम मिलता है बट जीएम पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ए रिलेशन आता है. यू गॉट माई पॉइंट? When you are considering two terms, two negative terms, आपका m negative होता है, whereas gm positive होता है. इसलिए relation में हम इसको डाला जाता है. But three terms are there, तो आपका m negative, gm also negative, तो आपका relation सिर्फ होगा m greater less than equal to gm. क्योंकि positive में क्या हुआ था? If you take one, two and four, what is the m? 7 by 3. What is the GM? 2. इधर AM GM में क्या आया? Exactly negative आ गया. तो हम सिर्फ AM, एक केस में AM greater than equal to GM. जब मैं minus multiply कर दिया, तो आपका inequality change हो गया. तो इसमें सिर्फ AM less than equal to GM हुआ. बट वेन इट द केस ऑफ टू टर्म्स, इसका एम होता है नेगेटिव होता है, whereas GM क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो टाइम पर ये रिलेशन निकालते हैं. इसलिए ये जो मैंने बताया सिर्फ दो टर्म के लिए होगा, नहीं तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए होगा, ऑड के लिए नहीं होगा. समझा? यस सर. यस सर. ये था आपका प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज बस ये पॉइंट कर दो, ये तो एक रखा एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीएम एंड ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस होगा तो एम आपका लेस देन इक्वल टू माइनस जीएम होगा. ये पॉइंट आप सिर्फ सर थोड़ा सा ऊपर करो. ऊपर ये तो लिखे है ना, रेड वाले नोट से बाकी है. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इतना नोट करो, इफ ए बी बिलोंग्स टू, मैं ठीक है ये सब इतना मत लिखो, जस्ट नोट डाउन इफ ए बी बिलोंग्स, इधर जो लिखा था. हाँ ये नोट. सर बाकी कुछ नहीं लिखे? नहीं, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया था मतलब क्या. अच्छा किसका था कि 100 टर्म्स था डिसीजन का, 100 टर्म्स रहेगा तो मैं 100 टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करोगे. 100 डिफरेंट टर्म्स आपको ऐसे नहीं दिया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर देखा सब, बट इफ सपोज 2, 4, 8, 16, 32 आर दे इन जीपी? यस सर. इनका मीन क्या रहेगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा? 2 × 4 × 8 × 16 × 32 raised to 1/5. तो इनका मेन इनका मिडिल टर्म होगा. देखो क्योंकि सपोज इफ यू कंसीडर दिस वन ए
ये क्या होगा ए आर ए आर स्क्वायर, ये होगा वन ए बाय आर, ये होगा ए बाय आर स्क्वायर, ये पांचों को मल्टीप्लाई करके वन बाय फाइव करेंगे तो कितना होगा ए रेस टू फाइव, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, ए रेस टू फाइव टू दी पावर फाइव, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, तो कितना मिला है ए, ये मिला है, तो मिडल ही मिलेगा आपका, अरिथमेटिक मीन भी वही मिडल था, बट सीक्वेंस का आपका एक एक केस में सीक्वेंस जीपी में होगा तो तब जाके हो, सपोज 64 इज देयर, वन थ्री नाइन 27, 81, 243, six terms are there. इनका GM क्या होगा? 9 into 27 का square root. Yes. जो even number terms रहेगा तो middle में दो term रहते हैं. वो दोनों का mean ले. Geometric mean होगा 9 into 27. That is 9 root. ठीक है. Odd number of terms रहेगा तो सिर्फ मिडल टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिडल टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म्स दो मिडल टर्म्स, वो दोनों का मीन लेना पड़ेगा. जो 100 टर्म्स आप बोल रहे हो, सपोज दैट 100 टर्म्स आर इन जीपी, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, दो देयर आर टू मिडल टर्म्स, कौन सा मिडल टर्म होगा 50 और 51 टर्म, 50 51 पक्का ना, यस 50 एंड 51 टर्म्स, वो दोनों टर्म का मीन लेना पड़ेगा. ठीक है, 50 51 कैसे निकालते हैं आप, एक होता है सपोज n terms are there, if n by 2 odd, if n is an odd, तो middle term होता है only one middle term, that case only one middle term, n plus 1 by 2, that is t n plus, sorry n plus 1 by 2, उसका 8 term होगा middle term. Right. If n is an odd, sorry, even n by 2 and n by 2 plus 1. Yes. N by 2 and n by 2 plus 1. These two are two middle term. फिर ये दोनों का मीन लेना. Right? Yes. हाँ. But condition क्या है? वो जो 100 टर्म्स बता रहे हो, दैट 100 टर्म्स शुड बी आर इन सीक्वेंस होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, तो ये दोनों का मीन लेना पड़ेगा, जीपी होगा तो ये दोनों का मीन लेना पड़ेगा, बट रैंडमली कोई 100 टर्म्स दिया गया, नाइदर एपी नॉर जीपी, मतलब सीक्वेंस में नहीं है, तो आप 100 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज मैंने ऐसे रैंडमली दे दिया 1 4, 12, 35, इनका मीन ज्योमेट्रिक मीन पूछा, तो क्या करोगे 1 into 4 into 12 into 35 to the power 1 by, ये केस में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि दिस फोर टर्म्स नॉट आर इन जीपी, जीपी हो जाता तो सीधा सीधा इसका मिडिल टर्म में कन्वर्ट करो. समझा ये केस दुष्यंत? Yes. ठीक है, आज तो कॉन्सेप्ट में गया टाइम, तो असाइनमेंट 1 इज योर होमवर्क. यस, ओके सर. ओके, आज मैंने असाइनमेंट 1 दिया, तो असाइनमेंट ओके सर, 1 इज द होमवर्क. चलो बाय सर, थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन है. हाँ बताओ.
सर आपने बोला कि जीपी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर ए कोई भी टर्म ले, जिगजैक होगा जब नेगेटिव ये रहेगा। हाँ सर वही पूछ रहा था, आर अगर माइनस वन हुआ तो नेगेटिव, मतलब कम, ये जिगजैक होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा। तो उसे क्या कांस्टेंट बोलेगा? नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दोज ग्राफिकली दोज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आप माइनस वन रखोगे, माइनस वन होगा तो जिगजैक होगा। सपोज टू, देन आपको मिलेगा माइनस टू, फिर प्लस टू, फिर माइनस टू, ऐसे 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 होगा, ठीक है। सपोज कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव, लेट अस टेक माइनस थ्री एंड ए इक्वल टू टू, तो आपका जो जीपी मिल रहा है दैट आल्सो यू विल गेट जीपी, टू माइनस सिक्स देन प्लस 18 माइनस कितना होगा 54, ऐसे रहेगा ना। तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऐसे ऐसे। तो स्पेरियल कौन सा टाइप का जीपी है? Increasing, decreasing? No. It is neither increasing nor decreasing, nor constant. If R more than zero, तो आपको दो टाइप का GP मिलता है। एक increasing GP होता है, जिसका ग्राफ देखोगे तो ऐसा रहेगा, इसके लिए R more than one होना चाहिए। और एक decreasing GP होता है, okay? और एक decreasing GP होता है, जिसका R lies in between 0 to 1। अच्छा आज S infinity नहीं बताया, बच्चे भी निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना कि मैंने इन्फिनिटी जीपी बताया नहीं है, S infinity मैंने भूल गया, ठीक है। ये तो कितना 7-8 निकल गए, क्या करें बता दूं? Yes, sir. बता देता हूँ, शायद असाइनमेंट वन में आ जाएगा तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। आपका एस इंफिनिटी, यहाँ पे जो आप फॉर्मूला एस इंफिनिट का मतलब होता है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन, जब एन टर्म्स इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा ना, देन यू विल गेट एस इंफिनिटी, इंफिनिट की तरफ चला जाएगा एन टर्म्स, ओके। एंड लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन होता है ए इंटू वन माइनस आर डैश टू एन अपन वन माइनस आर। जब आर का वैल्यू वन से बड़ा होता है, मैं जितना पावर बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कुछ आर का वैल्यू टू, मैं इसका पावर बढ़ाते जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो टेंस टू इंफिनिटी के लिए क्या होगा? तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, इंफिनिटी इंफिनिटी, तो टोटल बिकम अनडिफाइंड। बट आर का वैल्यू सपोज 1/2, इसका पावर बढ़ाते जाओ क्या होगा? दो केसेस बनता है, विच इज ए अपॉन वन माइनस आर इफ आर इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स इट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट लाइज इन बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन व्हेन मॉड आर लेस देन वन। If mod r more than 1, तो ये undefined होता है। Equal 1 भी undefined होगा। तो when mod r more than equal to 1, s infinity का value undefined होता है, defined नहीं हो पाता है। If mod r less than 1, mod r less than 1 मतलब आपका r का value minus 1 से लेके plus 1 तक रहेगा, but R is not equal to 0, 0 नहीं होगा। हाँ, R is not equal to 0 तो पहले से कंडीशन है, तो mod R less than 1 होगा तो आपका S infinity होगा A upon 1 minus R,
क्योंकि ए वैल्यू आपका जीरो की तरफ जा रहा है, बाकी सब आपका आंसर आ जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। व्हेन मॉड आर का वैल्यू मोर देन वन होता, ये वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी की तरफ चला जाता है, तो टोटल हो जाएगा अनडिफाइंड। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट फॉर्मूला मतलब कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके हिसाब से करना। यस सर। चलो बाय सर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, बाय सर।